मनीषा, इस वीडियो में हम कुर्ती की सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें कुर्ती के शोल्डर्स जोड़ने होते हैं। तो शोल्डर्स हमें इस तरह से जोड़ने होते हैं कि हमारे ये वाला जो गट्टा है वो कुछ इस तरह से बनता है और ये शोल्डर्स आपस में जुड़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखना, उल्टी साइड से हमें टाँका लगाना है और पहले इन शोल्डर्स को दोनों को इधर से जोड़ के हमेशा इस साइड से टाँका लगाना, इधर से कभी भी मत लगाना। और यहाँ से हम आधा इंच का जो है टांका लगाएंगे यहाँ पर। सो सबसे पहले यहाँ पर रखा और आधा इंच पे आपको एक सीधा टांका लगाना है। सबसे पहले इस वाले शोल्डर पे भी इसी तरह से आधा इंच का टांका लगाना है और इस पर भी इधर से ही स्टार्ट करना है। ये देखिए, इस वाली साइड से ही यहाँ पर भी मैं इस तरह से ही टांका लगाती हूँ। सो दोनों शोल्डर्स के टांका लगने के बाद में कुर्ती को सीधा कर लें और फिर यहाँ पर हमें इस तरह से टांका लगाना है कि नीचे से ये वाला जो पार्ट है उसको इस तरह से इधर की तरफ फोल्ड कर लेना है। पीछे वाली जो साइड है उस वाले शोल्डर पे आपको टांका लगाना है। तो यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके सीधी साइड से आपको इस तरह से ये टांका यहाँ पर लगाना है। तो अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये टांका आपका लगेगा और इधर से ये इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पर आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, आपका ये टांका है ये इधर पीछे वाली साइड आना चाहिए। सो अभी हम कुर्ती के गट्टे के मंजे निकालेंगे। तो सबसे पहले गट्टे का ये जो पिछला मिडिल पार्ट होता है वहाँ पर आप चौक से या पेन से मार्क बना लें और फिर मंजे को गूणे को है वो इस तरह से फोल्ड करें। और अब आपको गूणे को यहाँ पर इस तरह से रख के और ये जो इधर वाला पार्ट है यहाँ पर आपको इतने इतने दूरी में आपको यहाँ पर गूणा लगाना है और यहाँ पर इतना इतना टांका लगाना है। ये ध्यान रखिए, बराबर टांका लगाते हुए आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। और मिडिल पार्ट पे आपको, मिडिल पार्ट है वहाँ पर आपको इतनी दूरी का ये जो कपड़ा है आपको छोड़ते हुए टांका स्टार्ट करना है। सो आपको मिडिल पार्ट पे कुछ इस तरह से रखना है कि आपका इतना पार्ट है वो छूट जाए और फिर आपको यहाँ से मिडिल पार्ट से टांका लगाना स्टार्ट करना है। सो जस्ट मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। सो अभी यहाँ पर मैंने सुई को अंदर कर लिया है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको ये जो मंगजी है उसको खींचते हुए निकालना है। गट्टे में मंगजी कभी भी ढीली नहीं छोड़ना है, मंगजी को हमेशा यहाँ पर खींचते हुए लेना है, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा आपका गट्टा। ये बात ज़रूर ध्यान रखना आप, इसको मंगजी को अच्छे से इस तरह से खींचते हुए आपको यहाँ से निकालनी है। तो अभी आप देख सकते हैं इस तरह से गुणा पीछे आपका निकलता जाएगा और यहाँ पर इतना हमने छोड़ा था। तो इसी तरह खींचते हुए मैं पूरे गट्टे के मंगजी लगा लूँगी। सो अब आप देख सकते हैं हमारा इन पॉइंट आ गया है लगभग। तो यहाँ पर भी आपको जस्ट यहाँ तक इस मंगजी, यहाँ तक आपको मंगजी पर टाँका लगाना है। तो जस्ट आपको यहाँ पर भी इस मंगजी को खींच के ही लेना है, यहाँ तक इस तरह से अंगुली रखी और यहाँ पर ये जो मुड़ा हुआ है पार्ट यहाँ तक आपको टांका लगाना है। उसके बाद में आपको इस तरह से सुई को बाहर ही रखना है, इसको निकालना है खींच के और फिर यहाँ पर आपको इस तरह से इन दोनों को जॉइंट करते हुए मिलाते हुए, ये देखिए इन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर जहाँ पर हमने पहले टांका छोड़ा था, ये देखिए यहाँ पर यहीं से हमें वापस इधर से सीधा ऐसे टांका निकाल देना है। तो जस्ट मैं यहाँ पर इसको रखा, जहाँ पर ये टांका हमने छोड़ा था वहीं पर मैंने इसको रखा मशीन को और यहाँ पर इस तरह से टांका मैंने बाहर निकाल दिया। यहाँ पर टांका थोड़ा बारीक कर ले ताकि ये वापस खुले नहीं और यहाँ से मैंने इसको काट दिया। अब इस मंगजी को है वो मैं इस तरह से काटूँगी। देखिए ये वाली मंगजी है वो हमारी लास्ट में तुरपाई में काम में आएगी। ये जो हमारी तुरपाई मंगजी है इसको थोड़ा सा इससे छोटा काटते हैं, इस तरह से ये कटती है। तो ये हो गई हमारे गट्टे की मंगजी, अब लग चुकी है। आप इसको खींच कर ही निकालना, ज़्यादा इसको ढीला मत छोड़ना। तो इस तरह से आपको, अब हम आर्म होल पे मंगजी लगाएंगे। सो आर्म होल पे मंगजी निकालने के लिए मंगजी को फिर से इसी तरह से मोड़ लें और जिस तरह से हमने गट्टे पे गूणा निकाला था उसी तरह से आपको गूणा निकालना है। सो जस्ट आपको यहाँ पर इस मंगजी को कुछ इस तरह से रखना है, पीछे से आपकी ये इस तरह से रहेगी और यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। जस्ट मशीन के नीचे रखा। अब आपको इसमें एक बात का ध्यान रखना है, हल्का हल्का खींचना है। गट्टे में क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा खींचना होता है
और यहाँ पर हल्का हल्का सिर्फ नीचे यहाँ तक ही खींचना होता है ये आपका। ये देखिए ये पूरा आर्म होल होता है वो इतना बड़ा होता है, लेकिन आपको ये जो यहाँ गोलाई वाला पार्ट होता है ना सिर्फ यहीं तक आपको खींचना होता है, बाकी ऊपर का ये जो पार्ट होता है उसमें बिल्कुल भी नहीं खींचना होता आपको। तो हल्का हल्का खींचना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना है। तो हल्का हल्का खींचते हुए यहाँ पर थोड़ी दूर तक हल्का हल्का खींचते हुए ये जो गोलाई वाला पार्ट है वहाँ तक आपको हल्का हल्का खींचते हुए ये घोड़ा निकालना है, और फिर उसी तरह से आपको आगे की तरफ भी हल्का हल्का खींचना है गोलाई वाले पार्ट से। सो देखिए गोलाई वाला पार्ट अब फिनिश हो गया है। अब मैं बिल्कुल भी नहीं खींचूँगी, अब मैं नॉर्मली जिस तरह से गुणा निकालती हूँ उसी तरह से निकालूँगी। तो इस तरह से खींच के मैंने यहाँ पर गोलाई जितनी दूर पे गुणा निकाला है। अब ये जो इतना मेरा पार्ट है इस पर मैं एकदम बिना खींचे हुए निकालूँगी। सो अभी आगे वाले आम मोहर पे भी अब गोलाई वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पर भी मैं हल्के हल्के खींचते हुए गुणा निकालूँगी। इसी तरह से मैं दोनों आर्म होल पे निकाल लूँगी, फिर हम इसकी तुरपाई करेंगे। सो अभी हम तुरपाई करेंगे पहले आर्म होल और गट्टे की। तो उसके लिए जस्ट मैंने इस तरह से ये मंगजी है वो इस तरह से कर ली मैंने, और इसको अंदर की तरफ ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर इस तरह से उल्टा है, और मैंने ये जो मशीन का टांका है उसको मोटा कर लिया है, यानी सबसे जो हाईएस्ट होता है उस पर कर लिया है। और यहाँ पर अब मैं टांका लगा रही हूँ मोटा मोटा, और फिर हम इसकी तुरपाई को आगे से फिनिशिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसी तरह से बाकी पूरे गट्टे और आर्म होल पे दोनों पे मैं इस तरह से ये टांका लगा लेती हूँ, फिर आगे की मैं तुरपाई आपको बताती हूँ। ये देखिए आपका टांका कुछ इस तरह से दिखेगा। लहंगे में भी मैंने बताया हुआ है कि इसी तरह से मैंने तुरपाई करी है, इस तरह से आगे पीछे से दिखेगा। अब हम तुरपाई करना स्टार्ट करेंगे। तो तुरपाई के लिए जस्ट आपको इस तरह से रखना है सूट को, और यहाँ से आपका ये नीचे से मुड़ा हुआ है तो आपको मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सीधा रखना है। और अंगुलियों के बीच में आपको कपड़े को कुछ इस तरह से बराबर रखते हुए आपको यहाँ पर मशीन को थोड़ा बारीकी कर लेना है तुरपाई पे, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। और फिर इस तरह से आपको दोनों उंगलियों के बीच में कपड़े को एकदम बराबर रखते हुए, गुणे को भी एकदम बराबर रखते हुए आप इस तरह से तुरपाई करना स्टार्ट कर दें। तो इसी तरह से तुरपाई करते हुए आप गट्टे की और आर्म होल की दोनों की तुरपाई कर लें, फिर हम मिडल वाला टांका लगाएंगे। गट्टे की तुरपाई में आपको ये गट्टा अंदर से इस तरह से तुरपाई इस तरह से है, और इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है, और इसको यहाँ से तुरपाई करना स्टार्ट करना है। यहाँ तक टांका लगाने के बाद में आपको इस तरह से पकड़ के मोड़ना है, और फिर यहाँ से वही सेम उसी तरीके से जिस तरह से आपने आर्म होल पे तुरपाई की थी उसी तरह से आपको यहाँ पर भी तुरपाई करना स्टार्ट कर देना है। सो ये इसी तरीके से पूरी गट्टे पे आपको तुरपाई कर लेनी है। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पर टांका लगाने की। तो यहाँ पर टांका लगाने के लिए सबसे पहले जैसे मेरी चेस्ट है वो मैंने 33 ली है, तो 33 के लिए उसका जस्ट आधा करूँगी और फिर यहाँ पर मार्किंग लगा लूँगी। 33 का आधा होता है 16.5, तो अगर मैं फिटिंग से थोड़ा लूज़ करना चाहती हूँ तो 16.5 से थोड़ा एक्स्ट्रा भी ले सकती हूँ, बट यहाँ पर मैं 16.5 को, ये देखिए यहाँ तक 16.5 आ रहा है, तो मैं जस्ट यहाँ इधर की साइड में और इधर की साइड में दोनों साइड में मैं बराबर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर इस तरह से रखूँगी, और फिर यहाँ पर ये मार्क लगा लूँगी। जैसे मेरा यहाँ पर ये आ रहा है और 16.5 का इधर ये आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसे मार्किंग करके जस्ट ये चेस्ट वाली मार्किंग यहाँ पर हो गई, चेस्ट वाली थोड़ी ऊपर की साइड में करते हैं, तो यहाँ पर 16.5 की मार्किंग मैंने चेस्ट वाली जगह पे कर ली है। अब जो हमारी कमर है उसके अकॉर्डिंग आप, जैसे इसमें कमर की ज़्यादा फिटिंग नहीं देते हैं हम, बट फिर भी आप जितनी चाहें वो दे सकते हैं। जैसे सपोज़ मेरी कमर 28 है तो 28 का आधा 14 होता है, बट इतनी फिटिंग के हम कुर्ती बनाते नहीं हैं कभी भी, तो मैं यहाँ पर मेरी कमर रखूँगी 31 की। तो 31 की कमर के लिए 15.5 होता है वो इसका आधा होता है, और इतनी भी फिटिंग मैं नहीं रखूँगी, मैं यहाँ पर लगभग 16 की रखूँगी कमर। तो कमर वाली जगह पर मैंने 16 का मार्किंग कर लिया है, और इस साइड में मैंने 16 की मार्किंग लगा ली है। अब इन सभी मार्क्स को मिलाते हुए जस्ट मैं इस तरह से ये बनाऊंगी,
लाइन बनाऊंगी कि इनको ऐसे तिरछा इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर भी ये इस तरह से मिला दूंगी और ऊपर की तरफ भी मैं इस तरह से मिला दूंगी। तो ये सारी मार्किंग होने के बाद में यहाँ पर आप आर्म होल की भी मार्किंग लगा सकते हो कि आपको टांका कितनी राउंड में लगाना है। वैसे कई लोगों को ढीला पसंद होता है, कई लोगों को एकदम फिटिंग का। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ 7.5 का, यानी कि 7.5 प्लस 7.5 15 का हो जाएगा ये टोटल। तो यहाँ पर मैं 7.5 का लगा के यहाँ पर मार्क लगा रही हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग नाप के, अपनी जो पुरानी कुर्ती हो उसका नाप के, उसके हिसाब से आप ये मार्किंग लगा सकते हो दोनों साइड में। फिर यहाँ पर आपको टांका लगाना है। एक बात और देख लेना, अगर आपका यहाँ पर जैसे इधर से आपको बराबर करने के बाद में अगर यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा रह रहा है ये वाला, तो कोई बात नहीं, आपको इसको यहाँ से थोड़ा काट देना है, इन दोनों को यहाँ से बराबर कर देना है। बट कहीं ये मत करना कि यहाँ से आप जैसे यहाँ पर कई लोग यहाँ से बराबर करके फिर बाद में इधर से देखते हैं ये एक्स्ट्रा जा रहा है, तो ये यहाँ से आपको बराबर करना है, ये बात आप ज़रूर ध्यान कर लेना। तो टांका लगा के फिर मैं आपको बताती हूँ। अब हम कुर्ती के घेर के मंगजी लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप ये देख लें कि आपकी पीछे वाली साइड है, उधर से आपको यहाँ पे मंगजी लगाना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले उसी तरह से जैसे बाकी तरह पे लगाया था, इस तरह से आपको मंगजी को रखना है इस गुणे पे, गुणे को इस तरह रखना है इस कपड़े पे। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट आधा इंच तक का ये जो कपड़ा है यहाँ पर एक्स्ट्रा ये छोड़ना है, आधा इंच से थोड़ा एक्स्ट्रा भी छोड़ सकते हैं आप। तो इसको यहाँ पर इस तरह से कॉर्नर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है इतना छोड़ते हुए। तो यहाँ पर इतना छोड़ने के बाद में मैं यहाँ से टांका लगाना स्टार्ट करती हूँ। ये हम इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि फिर हम लास्ट वाला कॉर्नर बनाएंगे इसलिए। सो यहाँ से सेम वही तरीका है हमारा गुणा निकालने का, और गुणा निकालते हुए मैं आगे चलूँगी और कॉर्नर भी आपको इसी में बनाना बताऊँगी। सो जस्ट इसी तरह से आपको ये देखिए, इस तरह से इतना छोड़ते हुए आपको गुणा लगाते हुए आगे चलना है। तो मैं अभी आपको मिडल में पहुँच के फिर आगे बताती हूँ। सो अभी हम आ गए मिडल में। यहाँ पर भी आपको जस्ट इसी तरह से ये रखना है और यहाँ पर एकदम इसे घुमाते हुए आपको यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ पर आपका कई बार कपड़ा इकट्ठा भी हो सकता है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ से इस तरह से ये आपको टांका निकाल लेना है। ये देखिए, सो इस तरह से निकालते हुए आपको आगे का लगाना है और फिर यहाँ कॉर्नर पे बताती हूँ आपको। सो अभी हम पहुँच गए कॉर्नर बनाने वाली जगह। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरा नीचे नहीं उतारना है टांका, तो थोड़ा सा यहाँ पर छोड़ना है। ये देखिए, इतना सा आपको यहाँ पर छोड़ना है और फिर इसको इस तरह से निकाल लेना है। धागे को तोड़ना भी नहीं है यहाँ पर। ये देखिए, इतना हमने यहाँ से छोड़ा है, ये इधर से आपको पता चल जाएगा, दिख रहा होगा इतना हमने छोड़ा है। अब आपको क्या करना है, ये गुणे को इस तरह से मोड़ना है और यहाँ जहाँ हमने छोड़ा था वहाँ तक हमें इस तरह से मिलाना है। पीछे से हम देखेंगे तो हमारा टांका है वो यहाँ पर है और इस धागे को यहाँ से तोड़ना नहीं है, वापस फिर नीचे रखा हमने। और ये कॉर्नर बनाने का वीडियो है, मैंने डिटेल में अलग से बनाया हुआ भी है, आप वो भी देख सकते हैं। सो जस्ट यहाँ रखा और फिर मैंने यहाँ से निकाल देना है तिरछा, मैंने ये सुई निकाल देनी है यहाँ पर। अगर यहाँ समझ में नहीं आया आपको कॉर्नर बनाना तो आप वो वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। इसी तरह से हम बाकी के कॉर्नर भी बनाएंगे। सो ये यहाँ से अब धागा निकाल लेना है आपको। तो ये कॉर्नर हमारा बन गया है। अब हमें फिर से मंगजी निकालनी है, उसके लिए आपको फिर से इस तरह से यूँ घुमा लेना है। ये मंगजी अब अपने आप घूम जाएगी और अब आप देखेंगे तो ये पीछे से इस तरह से लगेगी। और यहाँ पर आपको यहाँ से टांका लगाना स्टार्ट करना है जहाँ से ये हमने कॉर्नर बनाना स्टार्ट किया था, और फिर यहाँ से इसे टांका लगाते हुए हमें निकालना है आगे। तो आपको बताती हूँ, सबसे पहले हमें यहाँ रखा और अब गुणे को फिर से इस तरह से करते हुए आगे निकालते हुए चलना है। सो अब आप देखेंगे कि हमारा ये जो है इस तरह से कॉर्नर बन जाएगा और आगे का गुणा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आपको बाकी कॉर्नर निकालने हैं। लास्ट वाला कॉर्नर बताती हूँ आपको। सो लास्ट वाले कॉर्नर में आपको जस्ट इधर से आते हुए ये दोनों को इस तरह से पकड़ना है। ये देखिए, ये वाला छोटे वाला है, दोनों को इस तरह से पकड़ के इस तरह से तिरछा लगा लेना है टांका। सो इस तरह से ये बन गया ये वाला कॉर्नर।
अब आपको ये जो मंजी है एक्स्ट्रा उसको काटना है, ये वाली हम तुरपाई में काम में लेंगे, और ये जो एक्स्ट्रा है इसको कुछ थोड़ा पास से काट देना है, तो ये वाली इस तरह से कट जाएगी। तो ये हो गई हमारी कॉर्नर बन गया है। अब हम तुरपाई करेंगे, तो तुरपाई के लिए जस्ट मैं फिर से वही इस तरह से मोड़ूंगी पहले पूरी मंजी को, और यहाँ पर ये टाका निकाल लूँगी, और फिर उसके बाद में वापस से उस तरह से अनफोल्ड करके वही मैं तुरपाई कर लूँगी। सो यही मेरा तुरपाई वाला पहले वाला ही प्रोसेस है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कर दें इसको, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे दो चैनल और आरती राठौर एंड राजा बैठा डांस, उनको भी सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम भी ज़रूर फॉलो करें, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आरती राठौर ऑफिशियल। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और ये देख लीजिएगा ये वीडियोस प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप ज़रूर देख लेना, 4 मीटर सूट की सिलाई की, तो उसमें जाके आप देख लेना, सारे वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे सूट के। सो खमा गणेशा, बाय बाय, टेक केयर।